वेलकम टू स्टडी आई क्यू. आज की इस वीडियो से हम राजस्थान पार्ट वन करंट अफेयर्स को टच करेंगे. राजस्थान में जनवरी से लेके, अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी से लेके अप्रैल 2018 के जो करंट अफेयर्स राजस्थान के क्षेत्र में हुए हैं, जो आपके आपके राजस्थान के पब्लिक सर्विसेज एग्जाम्स, अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, हम उन्हें कवर अप करेंगे. अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो राजस्थान करंट अफेयर्स है ये तीन भागों में आपको मिलेगा. पहले भाग में हम ऑफकोर्स वो न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट जो जनवरी और फरवरी और कई कई न्यूज़ जो मार्च और अप्रैल में भी घटी गई हैं या उनके अनाउंसमेंट्स हुए हैं तो हम उनको डिस्कस करेंगे. और भाग दो और भाग तीन में हम बाकी के जो आपके मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे ये पूरे के पूरे वीडियो के थ्रू. अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऑफकोर्स एक फ्री वीडियो है जो आप एक्सेस कर सकते हैं. हमारे अन्य पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyiq.com पे. साथ ही साथ में पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री की पीडीएफ्स भी आपको हमारी वेबसाइट studyiq.com पे मिल जाएगी. आप हमारे को फाउंडर को टायरलेस सोल के नाम से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप सिर्फ उनका नाम डॉक्टर गौरव गर्ग सर्च करके भी उनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. जैसे कि हम लोगों ने कहा कि जनवरी से अप्रैल 2018 और ये हम पार्ट वन कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स का. अब बिफोर वी जस्ट स्टार्ट, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि राजस्थान में कितने क्षेत्र हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है. अगर हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका स्टेट बर्ड कौन सा है. तो स्टार्ट करने से पहले ही आप इन सब चीज़ों को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके स्टेट के स्टैटिक इंपॉर्टेंट जीके के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको पता होने चाहिए. तो आप कमेंट सेक्शन पे इन सब के आंसर्स लिख सकते हैं. हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ऑफकोर्स ये सब डिस्कस भी करेंगे. अगर हम पहली न्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं तो सेंटर अप्रूव्ड स्केड्यूल्ड एरियाज एक्सटेंशन इन राजस्थान. जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं ये एक्सटेंड कर दिए गए हैं राजस्थान के अंदर. असेंबली इलेक्शंस जो है क्षेत्र में राजस्थान में ये एंड ऑफ द ईयर होंगे. और अगर हम बात कर रहे हैं यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एक्सटेंशन मिलेगा स्केड्यूल्ड एरियाज को राजस्थान में, जिन पे 3.73 अगर हम बात कर रहे हैं 3.7 लाख लोग रह रहे हैं, राइट. और अगर हम बात कर रहे हैं ये क्यों हुआ गया है, जो कि आपके ट्राइबल बेल्ट को अच्छी तरह से इंप्रूव कर सके, राइट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल दे दिया है और डिक्लेरेशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरिया राजस्थान अंडर द फिफ्थ स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय रिजाइंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर. रिजाइंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के बाद उन्होंने ये पूरा का पूरा जो आपका स्केड्यूल एरिया का एक्सटेंशन है इसको लॉ बनवा दिया गया है, प्रमलगेशन हो गया है, ये एक लॉ बन चुका है. और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्केड्यूल ट्राइब्स ऑफ राजस्थान को बेनिफिट देगा, प्रोटेक्टिव मेजर्स देगा, सारे के सारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए थे. तो एक्सटेंशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज हो चुका है राजस्थान के अंदर. और अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र ये कवर करेगा, इंटायर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनसवरा, दुर्गापुर, अगर हम डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 9 तहसील्स को कवर अप करेगा, 46 ग्राम पंचायत जो कि 227 विलेजेस इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे के सारे आपके कवर अप होंगे. तो वो पूरा ये एक्सटेंशन ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज हो चुका है राजस्थान के अंदर, वो पूरे के पूरे राजस्थानी ट्राइबल बेल्ट के अंतर्गत. फर्स्ट मेगा फूड पार्क राजस्थान में आ गया है. अब अगर हम मेगा फूड पार्क के बारे में बात करें तो फूड पार्क एक ऐसी चीज़ है जो कि 2008 में इसका पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया गया था. और ये जो फूड पार्क्स हैं, ये फूड पार्क्स क्या करते हैं, ये आपके कलेक्शन जो फार्मर सारा का सारा उत्पाद करते हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता है कि फार्मर्स वहां पर अपने सारे उत्पाद को कलेक्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो कनेक्ट हो सकते हैं मंडीज के थ्रू. तो ये अगर हम बात करें तो मेगा फूड पार्क जो है ये राजस्थान में भी खुल गया है, ये फार्मर्स को एम्पावर करेगा. अभी अगर हम बात करते हैं बिफोर हम लोग न्यूज़ को भी देखें, फूड पार्क होता क्या है, मेगा फूड पार्क होता क्या है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्म जो है, जो फार्म प्रोड्यूस हो रखा है, फार्मर ने जो उत्पाद किया है वो मार्केट तक पहुंच पाए. इसके लिए ऑफकोर्स आपके कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाते हैं जहां पर फार्मर आके अपना जो पूरा का पूरा उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करी है उसके आउटपुट को वो कलेक्ट करवा रहे हैं, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में वो प्रोसेस होता है और साथ ही साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पर चला जाता है. तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे के सारे फार्मर्स को. और अगर हम
लेमन की भाषा में बात करें, अगर हम बात करें कि आम आदमी के भाषा में कि ये क्या करता है, ये फूड पार्क इंश्योर करता है कि फार्मर को एकदम एक्सेस मिले मार्केट की तरफ, राइट. और ये हब एंड स्पोक मॉडल को इस्तेमाल करता है. ये फर्स्ट मेगा फूड पार्क राजस्थान में खुल चुका है. ये इनॉग्रेट हुआ है रूप, अगर हम बात करें कि कहाँ पर ये आपका फर्स्ट मेगा फूड पार्क खुला है, तो ये रूपनगढ़ में खुला है, जो कि आपके अजमेर के पास है. रूपनगढ़ ज़िले में खुला है, रूपनगढ़ विलेज में खुला है, जो कि आपके अजमेर के पास है. और ये बहुत ही हज़ारों फार्मर्स को हेल्प करेगा, इनको प्राइमरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी देगा, राइट, ताकि वो जो भी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको स्टोर भी इजीली कर सकें. ये इनको और भी ज़्यादा रेम्यूनरेटिव प्राइसेस लेने की मदद करेगा. तो अगर फार्मर्स किसी मिडिल मैन को, किसी बीच वाले इंसान को कम दामों में अपना सारा का सारा जो आउटपुट है वो बेच रहे थे, तो ये फूड पार्क्स इंश्योर करेंगे कि उनको एक कम्पेटिटिव प्राइस मिले, उनको एक असली अच्छा प्राइस मिले अपने सारे के सारे फार्म गुड्स का. ये पार्क जो है ये लगभग 113 करोड़ की धनराशि से बना है, और ये ऑलमोस्ट 450 करोड़ का एनुअल बिजनेस देने की क्षमता रखता है, राइट. और अगर हम बात कर रहे हैं, ये फार्मर्स को कनेक्ट करेगा ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से, और ये अपने सारे के सारे जो फार्मर्स हैं अपने प्रोड्यूस को ये फूड पार्क के जरिए 550 मंडीज के अंदर डायरेक्टली बेच सकते हैं. तो यहाँ पर फूड मेगा, जो अगर हम बात करें मेगा फूड पार्क का, वो रूपानगढ़ में अजमेर के पास खुल चुका है. और अगर थोड़ा बहुत पता हो तो मेगा फूड पार्क, जैसे कि हम लोगों ने कहा था, ये मेगा फूड पार्क्स ये 2008 में ये इनिशिएटिव हुआ गया था. और अगर हम भारत के कुछ कुछ और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो ये हरियाणा में है, अभी उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, केरला में बन रहा है, मतलब ये बन रहे हैं सारे के सारे फूड पार्क्स, और कुछ कुछ इनमें से फूड पार्क्स बन चुके हैं. तो फूड पार्क्स ये फार्मर्स की मदद कर रहा है, एम्पावरिंग फार्मर्स. ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड विद इंडिजिनस सीकर. ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये टेस्ट हो चुकी है, और ब्रह्मोस में इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. और अगर हम बात करें, ये पोखरान टेस्ट रेंज राजस्थान के अंदर टेस्ट हो चुकी है. डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि ये मिसाइल अपने एग्जैक्ट टारगेट को हिट कर सकती है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी. एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी है ब्रह्मोस मिसाइल का, और सक्सेस जो है इस पूरे के पूरे मिसाइल का, ये नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बोस्टर करेगा, और भी ज्यादा हेल्प करेगा, और भी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा, राइट. अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ द मिसाइल जो है ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है. और अगर हम बोल रहे हैं तो ये 400 किलोमीटर्स तक ये पूरा का पूरा एक्सटेंड हो सकता है. और आपको ये भी याद रखना है कि जब से इंडिया मेंबर बना है, तो मेंबर जो बना है इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का, तब से इंडिया के ऊपर जो टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी हटा दी गई हैं, राइट. ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन DRDO, आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ में NPOM रशिया के बीच में. तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी लेके आता है, ये रशिया और इंडिया DRDO का जॉइंट वेंचर है, और पोखरान में इसका टेस्ट हुआ है. जयपुर ने 8th थिएटर ओलंपिक्स को विटनेस किया है. जयपुर क्षेत्र के अंदर उन्होंने को होस्ट किया है 8th थिएटर ओलंपिक्स. ये जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, ये पहली बार इंडिया में हुआ है. ये 17 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक हुआ था, और ये पहली बार हमारा इंडिया में हुआ है. अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है थिएटर ओलंपिक्स 2018 का, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD ने ऑर्गेनाइज करवाया था. और अगर हम बात करें, साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोलैबोरेट किया था विद रविंद्र मंच सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राइट. ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी था टू हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राइट. राजस्थान ने बिल पास कर दिया है जो कि डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेगा उन सारे लोगों को जो कि वुमेन को, गर्ल्स को रेप करेंगे. जो गर्ल्स 12 साल से कम आयु की है, तो उनको डेथ पेनल्टी मिलेगी. और ये राजस्थान ने पूरा का पूरा ये बिल पास कर दिया है. ये असेंबली ने अमेंडमेंट बिल अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी फॉर कॉन्विक्ट्स इन्वॉल्वड इन रेप ऑफ गर्ल्स बिलो 12 इयर्स ऑफ एज. और अगर हम बात कर रहे हैं, तो होम मिनिस्टर गुलाब चंद्र कटारिया ने ये इंट्रोड्यूस किया है, द क्रिमिनल लॉज बिल 2018 क्रिमिनल लॉज बिल. और ये जो है, आपको याद रखना है, ये न्यू अमेंडमेंट एड हुआ है सेक्शन 376AA और 376DD इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत. और
और अगर हम देख रहे हैं ये राजस्थान ने जब ये स्टेप ले लिया है तो ये सेकंड ऐसा क्षेत्र बन गया है, सेकंड ऐसा स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश के बाद जिसने डेथ पेनल्टी टू चाइल्ड रेपिस्ट अवॉर्ड करने का ये पूरा का पूरा बिल पास किया है. और ऑफ कोर्स थर्ड जो स्टेट है वो हरियाणा है और फोर्थ जो है वो अरुणाचल प्रदेश है. ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि राजस्थान में काफ़ी सारे जो बहुत ही छोटी बालिकाओं के रेप होते हुए देखे हैं, उनका शोषण होते हुए देखा है, उसके अंतर्गत करके भी इस बिल को राजस्थान के अंदर पास कर दिया गया है. राइट, उमा भारती ने लॉन्च कर दिया है सेकंड स्वजल योजना राजस्थान क्षेत्र के अंदर. अगर हम स्वजल योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वजल है एक कम्युनिटी ओन्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, राइट, ताकि लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एकदम रेगुलरली मिलता रहे, राइट. और ये जो स्वजल प्रोग्राम है ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ये आपका इनॉग्रेट हुआ है बिकमपुरा जिला के अंदर. बिकमपुरा में आपका ये पूरा का पूरा जो आपका स्वजल योजना है राजस्थान के अंतर्गत ये लॉन्च हुई है. ये बजट जो है इसका ऑलमोस्ट 50 करोड़ से ज़्यादा का पूरा बजट है. और उमा भारती जो कि इन्होंने स्वजल प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है बिकमपुरा करौली राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये क्लीन वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगा, राइट. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन उमा भारती ने ये इसको बिकमपुर जिले राजस्थान में ये पूरा का पूरा आपका स्वजल योजना राजस्थान में इनॉग्रेट किया है, राइट. इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं तो 90% प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा और बाकी का 10% कम्युनिटी देगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर. और ये बिकमपुर विलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का शॉर्टेज हमेशा से रहा है और विलेजर्स को ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था ताकि वो पानी ले पाए. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो स्वजल योजना जो कि उमा भारती ने पूरी की पूरी लॉन्च की है बिकमपुरा में, ये इनको बेनिफिट करेगी. अब अगर हम देख रहे हैं, एंड ऑफकोर्स ये भी आपको याद रखना है कि 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि रिव्यू कर रहे हैं प्रोग्रेस को. और जैसा कि हमें ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम निकाली है. सो नीति आयोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्कीम निकाली है उसमें अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के क्षेत्रों में जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से आए हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो कि बैकवर्ड रह गए हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर माओवाद, आतंकवाद और बहुत ही सारे माओज़्म, नक्सलवाद की वजह से किसी भी तरह के इन सारी चीज़ों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. तो यहां पर गवर्नमेंट उनको डेवलपमेंटल सपोर्ट दे रही है और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहलाए जा रहे हैं. पिछलग्गू कहलाने की जगह हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कह रहे हैं. और अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका कारौली जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आ रहा है, सिरोही भी आ रहा है, जैसलमेर भी आ रहा है, बारन भी आ रहा है. ये आपके नीति आयोग के 30 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, राइट, जो आपकी 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई हुए हैं. तो टोटल 5 है राजस्थान के अंदर. इंडिया ने साइन कर दिया है सेकंड लोन अग्रीमेंट विद न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर $100 मिलियन फॉर राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरियाज. तो राजस्थान की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकेंड लोन अग्रीमेंट न्यू दिल्ली बैंक ने ऑलमोस्ट $100 मिलियन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में फॉर राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया है. लोन अग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग राजस्थान का वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट, राइट, जो कि सारे के सारे आपके डेजर्ट एरियाज में होगा. डेजर्ट एरियाज में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ में NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है और ये 13 फरवरी 2018 को इन्होंने साइन किया था. जो आपका पहला ट्रेंच लोन है, ट्रेंच मतलब जो आप मनी दे रहे हैं, पोर्शन दे रहे हैं मनी $100 मिलियन का, ये अप्रूव हो चुका है अंडर मल्टी ट्रांच फाइनेंशियल फैसिलिटी. और ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑलमोस्ट 660 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बिल्ड होगा, जो कि सीपेज को प्रिवेंट कर रहा था वो रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, राइट. द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड हैव मल्टीपल बेनिफिट्स. इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रिहैबिलिटेशन करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि रिहैबिलिटेशन ऑफ द वाटर लॉक्ड एरियाज. और साथ ही साथ में ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इज 6 years, 6 सालों में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान का पहला ऑयल रिफाइनरी बाड़मेर के अंदर ये लॉन्च कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है. प्राइम मिनिस्टर
करने HPCL के साथ, अगर हम बात कर रहे हैं HPCL के साथ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट के पूरे मिलाप के साथ इन्होंने ये जो HRRL था, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है जो राजस्थान में सेटअप होगी आपकी। तो अगर हम बात कर रहे हैं HRRL की, राजस्थान HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की, तो ये जो है ये पहली ऐसी रिफाइनरी होगी राजस्थान में। ये प्रोजेक्ट जो है ये 9 MMTPA कैपेसिटी पे देगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा ऑलमोस्ट 2022 या 23 तक, राइट। इसका टोटल जो कॉस्ट लगेगा ये 43,000 करोड़ रुपीस लगेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ये स्टेट इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और स्टेट इकोनॉमी को एडिशनल इनकम देगा 34,000 करोड़ का, राइट। राजस्थान सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। और यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आपके EBC को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी लोन 50,000 तक का। और 50,000 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो EBC कैंडिडेट्स हैं ये लोन मिलेगा इनको 4% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और ये जो स्कीम है ये इनके बजट के अंतर्गत अनाउंसमेंट हुआ है इस पूरे के पूरे स्कीम का। ये पुअर लोगों को जेनरेट करवाने देगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर हम बात करें और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आपकी राजस्थान के पुअर के लिए दी गई हैं, स्वर्ण सिंह, अगर सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के अलावा और कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो लेट मिस्टर भैरव सिंह शेखावत के नाम से भी ये स्कीम शुरू होने वाली है, एक भैरव सिंह शेखावत अत्यंत दोया स्वरोजगार योजना। ये लोन प्रोवाइड करेगी 50,000 तक का 4% इंटरेस्ट रेट पे टू 50,000 फैमिलीज जो कि आपकी SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में राजस्थान के गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूटी दिया जाएगा 200 ऐसी बालिकाओं को, ऐसी बच्चियों को जो 85% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगी अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के अंदर। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि टोटल आउटले देगा 2,070 करोड़ लगभग तक का टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। तो ये हमें पता होना चाहिए सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए ले रखे हैं राजस्थान क्षेत्र में ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। सो अगर हम बात करें पहले जैसे हम लोगों ने देखा सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, फिर भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, फ्री स्कूटी स्कीम, जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं उनके लिए भी एडिशनल बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं। राजस्थान ने फार्म लोन वेवर स्कीम को दे दिया गया है, फसल ऋण माफ़ी कर्ज माफ़ी योजना फॉर फार्मर्स, ये राजस्थान में डेवलप हो गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है जो सबसे ज़्यादा अवेटेड था आपका फसल ऋण माफ़ी योजना फॉर फार्मर्स। CM ने और भी ये एक अनाउंसमेंट कर दिया है फार्म लोन वेवर के लिए राजस्थान बजट के अंतर्गत। और इस पूरी की पूरी स्कीम में गवर्नमेंट इज गोइंग टू वेव ऑफ द इंटायर ओवरड्रू इंटरेस्ट लोन्स टिल 30th September 2017, राइट। और साथ ही साथ में आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ अप टू 50,000 ईच फार्मर टेकन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, वो डेट को भी वेव ऑफ कर देंगे अप टू 50,000 टेकन बाई ईच फार्मर्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। ये ऑफकोर्स ये जो अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 8,000 करोड़ ताकि ये पूरा का पूरा किसान ऋण माफी योजना इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छी तरह से। राजस्थान ने पूरा का पूरा अपने आप को सेट कर लिया है ODF डिक्लेयर्ड होने के लिए अहेड ऑफ द डेडलाइन। ODF इज ओपन डिफिकेशन फ्री क्योंकि वहां पर उन्होंने स्वच्छ भारत के अंतर्गत टॉयलेट्स का जो पूरा का पूरा उनको देखरेख करनी थी बनवाने थे वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान ने 100% पूरा 100% टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टारगेट को बिफोर टाइम उन्होंने कंप्लीट कर दिया है और इसीलिए वो डिक्लेयर्ड हो जाएंगे ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट, राइट, अबाउट 1.5 साल पहले ही बिफोर द डेडलाइन। और अगर हम बात कर रहे हैं तो लास्ट 4 सालों में स्टेट ने लगभग 80 लाख टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया है रूरल एरियाज में और इन्होंने लगभग 40,000 से ज़्यादा विलेजेस को कवर कर दिया है, 295 पंचायत समितीज को कवर अप कर दिया है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं ओपन डिफिकेशन फ्री और बाकी के जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे उनकी भी फॉर्मेलिटी ही बस बची है। सो 2004 में जब स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च हुआ था तब सिर्फ 34% थे इनके, लेकिन उन्होंने रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाते हुए अभी ओपन डिफिकेशन फ्री 1.5 साल पहले
डिक्लेयर हो जाएंगे राइट. सो ये जो पूरे के पूरे शौचालय की बनाने की पूरी थी तो ये कर दिया गया है और इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर दिया है. सीएम वसुंधरा राजे ने इनॉग्रेट कर दिया है ई लाइब्रेरी हाईकोर्ट प्रेमिसिस में. ई लाइब्रेरी का जो उद्घाटन इन्होंने किया है, ये सारे के सारे लॉयर्स को पहली बार एक्सेस देगा स्टेट के अंदर ताकि वो फ्री बुक्स को एक्सेस कर सके, लॉ बुक्स को एक्सेस कर सके. ये जो चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने इनॉग्रेट करी है ये हाईकोर्ट प्रेमिसिस के अंदर ही है. और अगर हम बात कर रहे हैं ये फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी थ्रू कंप्यूटर, ये पहली ई लाइब्रेरी है राजस्थान के अंदर जहाँ पर लॉयर्स ऑफ हाईकोर्ट वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे लॉ बुक्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट राइट. और ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट घटना थी. स्टेट ने राजस्थान ने फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बना लिया गया है. फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है और आप यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह भी देख सकते हैं इस पुलिस स्टेशन के. सरदार धौलपुर पहला ऐसा स्टेट बन गया है, बिकम्स द फर्स्ट स्टेट्स फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन विद अ कलरफुल रूम. तो आपके सरदार धौलपुर के अंदर ये पहला पुलिस स्टेशन बन गया है जहाँ पे कलरफुल रूम है. ये रूम इनॉग्रेट हुआ था मनन चतुर्वेदी, चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और साथ ही साथ में राजेश सिंह जो कि धौलपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं. जब भी हम बात करते हैं जो बच्चे अबैंडन कर दिए जाते हैं अपने माँ बाप से, माँ बाप उनके छोड़ देते हैं, साथ ही साथ में कुछ बच्चे जो क्राइम्स के लिए पकड़े जाते हैं वो जब पुलिस की कस्टडी में आते हैं उनको इन रूम्स के अंदर बिठाया जाएगा. और आइडिया ये है कि अगर वो कुछ घंटे जेल में बिता भी रहे हैं तो उनको बहुत ही लाइवली और प्लेफुल एटमोसफेयर मिलना चाहिए ताकि उनका कनेक्शन उनके बचपन के साथ रहे राइट. ये जो रूम का रेनोवेशन है क्राउड फंडिंग के थ्रू जनता से पैसा इकट्ठा किया गया था और साथ ही साथ में एक्टिविस्ट राकेश तिवारी ने भी काफी अहम भूमिका बनाई थी ताकि सरदार धौलपुर का ये जो प्रिजन है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छे से पेंटिंग्स वगैरह बना के बच्चों के लिए बनाया जाए राइट. आमंड शेप, बादाम के शेप के ट्रेस फॉसिल्स. ट्रेस फॉसिल्स मतलब जब आप जिसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो आपको फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स जो कि इतने कई साल पहले दफन कर दिए गए थे राइट, ये बारमेर के अंदर मिले हैं. ये एक ऐसी डिस्कवरी है जहाँ पर रेयर, बहुत ही रेयर तरह के फॉसिल्स मिले गए हैं जो कि आमंड शेप के फॉसिल्स हैं बारमेर के अंदर. ये फोर्थ ऐसी डिस्कवरी है पूरे के पूरे पूरी दुनिया के अंदर. इससे पहले अमरीका, मैक्सिको, अर्जेंटीना में भी इस तरह के फॉसिल्स पाए गए थे. अगर हम देख रहे हैं तो प्रोफेसर सी एस माथुर जो हैं, जो कि फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी हैं जेएनवी यूनिवर्सिटी जोधपुर के, उन्होंने ये पिक्यूलियर आमंड शेप ट्रेसेस को डेवलप किया था बारमेर के अंदर जब वो अपने टीममेट्स के साथ घूम रहे थे राइट. तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी. तीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो कायाकल्प अवार्ड उनको मिलेगा. अगर हम कायाकल्प अवार्ड की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा अवार्ड जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है. तीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है स्टेट के उनको ये फेलिसिटेशन सेरेमनी में अवार्ड दिया गया है. नई दिल्ली में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने ये अवार्ड को दिया है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ झुंझुनू, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर सिचुएटेड इन नई. तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स को, तीन हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है जो कि आपके स्वच्छ भारत अभियान के अंदर था. 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये अवार्ड दिया गया है कायाकल्प अवार्ड. और ये पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं हॉस्पिटल की किस तरह की पूरी अपकीप है, सैनिटेशन कैसा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, हाइजीन प्रमोशन कैसा है, टोटल साफ सफाई कैसा है, उनके बेसिस पे ये दिया गया है. और अगर हम बात करें टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की तो ये इनको हमेशा हर साल अवार्ड जाता है ये कायाकल्प अवार्ड के अंतर्गत. और इस बार राजस्थान के क्षेत्रों से भी दिया गया हुआ है. एयर कनेक्टिविटी जो है दिल्ली टू स्वाई, मधोरपुर, कोटा, किशनगढ़, ये शुरू होने वाली है. तो मधोरपुर, कोटा, किशनगढ़ जो है ये एक्सपेंशन ऑफ एयर कनेक्टिविटी हो जाएगा जहां पर आपका स्वाई, मधोरपुर, कोटा, किशनगढ़ ये कनेक्ट हो जाएंगे नई दिल्ली से. और ये है इसलिए ताकि कनेक्ट कर पाए टूरिस्ट सिटी, एडुकेशन सिटी कोटा और मार्बल सिटी किशनगढ़ को नेशनल कैपिटल के साथ. तो टूरिस्ट सिटी स्वाई मधोरपुर, एडुकेशन सिटी कोटा जो है और साथ ही साथ में मार्बल सिटी किशनगढ़ ये कनेक्ट हो पाए दिल्ली के साथ, इसीलिए एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर. और एफर्ट्स ये इनिशिएटिव में दिस विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अवेलिंग एयर सर्विसेज यहाँ पर, ताकि बिकॉज गवर्नमेंट का मेन इनिशिएटिव क्या है कि फॉरेन टूरिस्ट जो फुटफॉल है वो डबल होनी चाहिए 2020 तक. राजस्थान टूरिज्म एंड FHTR, आपका एफ एच
HTR, Federation of Hospitality and Tourism of Rajasthan, signed MOU, Memorandum of Association, to organize a domestic travel mart. So, domestic travel mart ka bhi MOU sign ho chuka hai, aapki Federation of Hospitality Tourism of Rajasthan and Rajasthan Tourism ke beech mein. Aur agar hum baat kar rahe hain, ye MOU jo hai, ye MOU, ye event hai July 2nd aur July 20 और July 22nd को at BM बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर ये इवेंट होगा, आपका ये इवेंट हेल्ड होगा जहां पे MOU साइन होगा. The primary objective of Rajasthan domestic travel mart is to exclusively focus on the domestic tourists from various parts of India and establish Rajasthan as one of the leading domestic tourist destinations in the country. Primary focus क्या है, objective क्या है Rajasthan domestic travel mart का, कि जो local आपके जो indigenous India based tourists हैं उनको बढ़ावा देना ताकि इनके फिगर्स डबल हो जाएं. और विजन क्या है, विजन 2020 तक ये है कि कम से कम 5 करोड़ टूरिस्ट का फुल फुटफॉल होना चाहिए राजस्थान के क्षेत्र के अंदर, और ये वो अचीव करना चाहते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के जरिए. जैसा कि नाम भी बोलता है डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, मतलब कि वो पूरे के पूरे देश के ही पूरे टूरिज्म को इनकरेज करना चाह रहे हैं. Rajasthan ka IT Day 2018, Department of Information Technology and Communication under the government of Rajasthan ne third edition Rajasthan IT Day ka organize karwa diya hai from March 18th to 21st at Jaipur. Aur is saal ki jo scheme hai IT Day celebration ki, wo ye hai ki e-mitras, education providers, ye sare ke sari cheeze provide ho startups ko, kuch jo important cheeze is pure IT Day pe include hui thi, tech rush, hackathon, edu hack, ग्रीनथॉन, ई मित्रा, ये सारी की सारी चीजें मेन हाइलाइट्स थी. अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मैराथन भी ऑर्गेनाइज हुआ था, और मैराथन इसलिए था ताकि टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से एक्सेलरेट हो जाए, अच्छी तरह से उसे पुश मिले राजस्थान के क्षेत्रों में, राइट. ऑफ कोर्स मैराथन का जो एजेंडा है वो ये है कि राजस्थान एक डिजिटल सुप्रीमो बन जाए, पूरे नेशनल लेवल पे राजस्थान डिजिटली बहुत ही ज्यादा एम्पावर हो सके. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपग्रेडेशन प्लान कर दिया है 90 स्टेशंस का, ताकि वो लोकल कल्चर को और हिस्ट्री को दिखा पाएं. अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अटेम्प्ट इसलिए ताकि पैसेंजर्स को बेसिक अमेनिटीज दी जाए और एक एस्थेटिक मेकओवर हो जाए सारे के सारे रेलवे स्टेशंस का. और इसी के अंतर्गत 90 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है डिफरेंट जोन्स के अंदर. ये 90 ये भी बताया गया है कि आधे से ज़्यादा इनमें से जो है वो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज हब्स हैं, जहाँ पर 45,000 ज़्यादा आपके 45,000 से ज़्यादा लोग आते हैं ऑन अ डेली बेसिस. राजस्थान में से वो 90 क्षेत्रों में से जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से 5 स्टेशन राजस्थान के भी हैं, जैसे कि कोटा, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये सारे के सारे को भी ये एस्थेटिकली इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, एस्थेटिकली मेकओवर देना चाह रहे हैं और पैसेंजर्स को सही अमेनिटीज मिली जाएं, ये भी इनकी कोशिश है. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, नो टोल टैक्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज के अंतर्गत अप्रैल फर्स्ट में ये घोषित कर दिया गया है कि लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, टोल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूनुस खान ने ये डिक्लेयर कर दिया गया है. और अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज पे, ऑफ कोर्स उनको देना पड़ेगा, बट स्टेट हाईवेज पे ये टैक्स बंद कर दिया गया है. ये बेनिफिट करेगा लोगों को कम से कम 250 करोड़ तक, और साथ ही साथ में लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव करेगा क्योंकि टोल के अंतर्गत काफ़ी टाइम लग जाता है. राजस्थान सेटअप कर रहा है लार्जेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब इन द कंट्री. सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सेटअप कर रहा है ये इंक्यूबेशन हब. मूव ओवर बेंगलोर एंड पुणे. उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र एम हो रहा है कि वो बिगेस्ट स्टार्टअप हब हो जाए, और ये अकोमोडेट करना चाह रहे हैं 700 न्यू कमर्स को. और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं. और अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें तो ये उदयपुर में जो है ये स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को स्पेस देंगे, इंटरनेट कनेक्शन देंगे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इन सबको मिलेगा. अब अगर हम बात करें तो यूनेस्को ने आपको CLIX प्रोग्राम को अवार्ड दे दिया गया है. और अगर हम कह रहे हैं इन्होंने प्रेस्टिजियस किंग हामिद बिन इज़ला अल खलीफा प्राइज जो है ये दे दिया गया है रिकॉग्निशन को फॉर द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडुकेशन के क्षेत्र में. इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को ने दिया है CLIX प्रोग्राम को. और अगर हम बात करें CLIX प्रोग्राम क्या है, ये कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव है
जो कि इनको रिसेंटली पुरस्कार दिया गया है. ये राजस्थान के अंदर रन हो रहा है जब और अभी तक जो क्षेत्र है देखा गया कि ऑलमोस्ट 101 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स जो कि 250 टीचर्स को कवर अप कर रहे हैं और 3000 स्टूडेंट्स को कवर अप कर रहे हैं वो इनसे बेनिफिट हुए हैं. ये इनिशिएटिव एक जॉइंट वेंचर है टिस का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का, और MIT का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाटा ट्रस्ट का, और इसको यूनेस्को ने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज भी कर लिया है. तो ये CLI है, कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव, और इसमें ऑफकोर्स सारे के सारे और भी कई एप्लीकेशंस थे लेकिन इनको यूनेस्को ने प्राइस दे दिया है. ई मित्रा प्लस कियोस्क्स इंस्टॉल्ड एट 400 सेंटर्स इन उदयपुर. 400 सेंटर्स के ऊपर आपका ई मित्रा प्लस कियोस्क हो चुका है. ई मित्रा प्लस कियोस्क कुछ इस तरह लगता है. अब अगर हम बात करें ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 400 ई मित्रा प्लस कियोस्क को सेटअप कर दिया है. ये ATM मशीन की तरह ही काम करेंगे और ये आपका जो भी है पब्लिक इनसे बेनिफिट कर सकती है, और साथ ही साथ में बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि पब्लिक कॉपीज ले सकते हैं उनके डिपॉजिट्स की, उनके ओरिजिनल रेसिडेंस प्रूफ की, उनके बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की, और ऑफकोर्स एक फिक्स चार्ज दिया जाएगा उन कियोस्क के अंदर. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो भी इन कियोस्क के थ्रू पे किए जा सकते हैं. प्रिंटआउट्स भी लिए जा सकते हैं आपके ई मित्रा प्लस कियोस्क के जरिए. तो ई मित्रा प्लस कियोस्क के जरिए या ई कियोस्क के जरिए ये सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो सकती हैं. और ऑफ कोर्स ये जो कियोस्क हैं इनकी दो स्क्रीन्स हैं और इस तरह से ये लॉन्च हो चुका है. एम्स जोधपुर को स्टेट का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम दिया गया है. इनको दे गेट देयर फर्स्ट सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजस्थान को फर्स्ट सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम दिया गया है. ये इंस्टॉल हुआ है 28 करोड़ की कॉस्ट के ऊपर, और ये जो मशीन है ये कमीशन हुआ था डॉक्टर अरविंद सिन्हा जो कि हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके थ्रू. सून एंड ऑफकोर्स उन्होंने कहा भी है कि ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा सर्जन्स को बिफोर ये पहली रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी होगी. तो ये काफी एक महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि फर्स्ट सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल हो गया है जहां पे डॉक्टर्स को काफी मदद मिलेगी क्योंकि रोबोटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सारे के सारे टेस्ट सारे के सारे आपके ऑपरेशन हुए जाएंगे. सून जयपुर पुलिस टू सेट अप ई यूनिट टू कर्ब साइबर क्राइम. साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए आपके जयपुर पुलिस ने सेटअप कर दिया ई यूनिट. साइबर क्राइम किस किस तरह के हैं, साइबर क्राइम के अगर बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो कम्युनल पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, उन सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं उन सब से डील करने के लिए जयपुर पुलिस ने सेटअप कर दिया है स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम यूनिट आने वाले कुछ दिनों के अंदर. ये जो अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड क्राइम की तो स्पेशल इक्विपमेंट दिया जा रहा है टू टैकल दीज सिचुएशंस, राइट. चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे ने स्टेट बजट में 10 करोड़ का प्रोविजन दे दिया है टू सेटअप क्राइम साइबर क्राइम यूनिट. तो साइबर क्राइम को कर्ब करने के लिए वसुंधरा राजे ने स्टेप्स लिए 10 करोड़ रुपए बजट से सेट असाइड कर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलिंग ई यूनिट्स टू कर्ब द साइबर क्राइम. पार्ट वन में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट खबरें जो जनवरी और फरवरी 2018 में हुई थी, कुछ कुछ जो मार्च और अप्रैल में भी हुई हैं उन्हें कवर किया था.